विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने कहा कि विकास कार्यों को गति प्रदान करने के साथ ही कोरोना में दृष्टिगत रखते हुए कार्य स्थल पर सैनिटाइजर के साथ ही मास्क का प्रयोग तथा श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य कराए। इस अवसर पर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने अस्पतालों में चिकित्सकीय उपकरण, चिकित्सकों की उपलब्धता, साफ सफाई, टेस्टिंग, दवाओं के लिए निर्देश दिए कि ये सुनिश्चित हो कि मरीजों के उपचार में कोई कमी ना होने पाए। कोरोना से बचाव के लिए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने कहा कि ब्लॉकवार कैंप आयोजित किया जाए जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही राजस्व आदि के मामले निस्तारित हो सके। जिलाधिकारी ने DPRO को निर्देश दिए कि गांव का कायाकल्प अभियान के तहत प्राथमिकता के आधार पर कार्य कराए जाएँ और उसमें प्राथमिक विद्यालय के कार्यों को वरीयता प्रदान की जाए। विद्यालय के शौचालय में रनिंग वाटर, फर्नीचर तथा विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने छात्रवृत्ति पेंशन के कार्यों को समयबद्ध ढंग से कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को देते हुए कहा कि प्रवासी कामगारों को रोजगार से जोड़ने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई की जाए और आजीविका मिशन के तहत प्रवासी मजदूरों को महिलाओं को जोड़ा जाए। जिलाधिकारी ने नगर निगम को निर्देश दिए कि बरसात से पूर्व नाले नालियों की सफाई करा दें ताकि जल जमाव की स्थिति ना आने पाए, क्योंकि जल जमाव से अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हर नाला का कार्य होना चाहिए और यदि नहीं होता है तो उसका कारण स्पष्ट होगा। जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के अभियंता को निर्देश दिए कि तटबंधों के मरम्मत का कार्य तथा बंधों पर रेट होल, रेनकोट आदि का सर्वे कराकर बरसात से पहले मरम्मत कार्य पूरा करा दें। इसके अतिरिक्त पारदर्शी विकास योजना, PM विकास सम्मान योजना, आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण आदि की भी विस्तृत समीक्षा आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। डोनेशंस भी काफी हुए हैं सर, करीब क्या प्रोटोकॉल है, क्या जांच नहीं होनी है उसका?
नॉर्मल वॉक का पैरामीटर है, उसके अलावा उसके बाद सारी जांच करते हैं सर। कोविड अभी नहीं आया है कि कोविड की करते हैं, ब्लड में सारी जांच करते हैं, हेपेटाइटिस बी सी ए और सारा उसका करते हैं, एलिजा इसका करते हैं। अभी तो आई सी एम आर ने अप्रूव कर दिया एलिजा भी उसके लिए जी, कोविड के लिए एलिजा वो दोनों करते थे, पॉजिटिव वगैरह आ जाता है तो दोनों करते थे। इनका रेट तो साथ में किसी नहीं किया था, ये एलिजा और दो रेट का बाकी है तो फिर इसको थोड़ा कम करिए तो ऐसा खेचे ही एलिजा बाहर क्या रेट में करते हैं, 4000 थोड़ा वो कम करिए ताकि वो ज़्यादा माल उठ सकता है, माल के लिए तो आपको कमीशन देंगे तो उसमें लेकिन अगर उस पर काफ़ी कर सकते हैं एलिजेंट जितने आते हैं उनके सब एच आई वाले सारे कर लेते हैं सब इधर तो क्योंकि गैस की बहुत कम हो गई तो ठीक है ना, बाहर से लोग तो पता नहीं कब रिजल्ट नहीं है तब तक मिल जाता है, तो हमारे सर एक तो वो वाली है बड़ी वाली है और छोटी वाली मशीन है, दो मशीन यहाँ है जिला अस्पताल में और 12 मशीन हमारे अंदर में है सी एस सी एस पी एस सी की मशीन नहीं लिया सी एस सी 12 मशीन का बी आर में जो कितने अभी एक्सरे लिए सब में जो न्यूमोनिक प्रैक्टिस निकला है और एसिम्प्टोमेटिक है सर, देखिए